नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। हनुमानगढ़ जिले में काफ़ी लंबे समय बाद भारी मात्रा में पकड़ी गई है शराब। आपको बताना चाहेंगे कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की सीमा से जाती है गुजरात तक शराब, हरियाणा निर्मित शराब ट्रक में जाती है शराब, लेकिन नौहर पुलिस ने DST के सहयोग से अवैध रूप से परिवहन कर ले जाई जा रही भारी मात्रा में शराब को पकड़ा है और जिसकी कीमत 29 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस शराब से भरे ट्रक को जब्त कर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामकर ने जानकारी देते बताया कि जिला विशेष दल बैनौर पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की है और बीती रात रायसिंहपुरा की रोही में अवैध रूप से भरा ट्रोला नंबर RJ19GA9013 को पकड़ा है। ट्रक चालक सही राम पुत्र जोखाराम बिश्नोई निवासी तहसील ओसिया जिला जोधपुर को गिरफ्तार भी कर लिया है। और आपको बताना चाहेंगे कि उक्त शराब राजस्थान से हनुमानगढ़ जिले के जरिए गुजरात के किसी हिस्से में बेची जानी थी और ट्रक चालक से विस्तृत पूछताछ और की जा रही है और राज खुलने के अंदेशा जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा से सस्ती दरों में शराब खरीदकर गुजरात में ऊंचे दामों पर शराब बेचने का यह गोरख धंधा लंबे समय से जारी है, नहीं रुक रहा है यह धंधा और हनुमानगढ़ जिले के कई रास्तों से गुजरात को जाती है शराब। हनुमानगढ़ के नौहर में जरूर शराब पकड़ी गई है, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ की सीमा से हरियाणा सीमा से चिपते हुए कई रास्ते हैं जो कि हनुमानगढ़ से आगे बीकानेर तक जाते हैं, यहाँ से शराब जाती है। आइए आपको सुनाते हैं कि रामकरण SI का इसके संबंध में क्या कहना है, सुनिए। ये DST व नोर पुलिस द्वारा श्रीमान SP साहब जिला हनुमानगढ़ के निर्देशन में व श्रीमान IG साहब बीकानेर रेंज के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध शराब के संबंध में रात्रि को एक 10 चक्का ट्रक RJ19GA9013 जो रायसिंहपुरा रोई से पकड़ा था, जिसमें 710 शराब की पेटियां भरी हुई है और जो कुल 34,080 पौए हैं, जिसमें 196 पेटी RML ड्राई जिन है और 514 वाइटलेस बोध का है, जिसमें मन उपनिरीक्षक रामकरण व थाने के मुलाजमान रणजीत सिंह हेड कॉन्स्टेबल, नारायण सिंह कॉन्स्टेबल व अन्य मुलाजमान तथा DST के सहयोग से रायसिंहपुरा रोई से कितनी आदमी एक आदमी को जिसका नाम सही राम सनब चोखाराम बिश्नोई निवासी पड़ी पुलिस थाना मतोड़ा जिला जोधपुर तहसील ओसियां का रहने वाला है। ये ट्रक का चालक होगा? हाँ, ये चालक है और ये खुद ही बता रहा है कि ये ट्रक भी मेरा ही है, लेकिन वो तो जो है कहाँ से भरी गई थी और कहाँ ले जा रही है? यही इसी इलाके से कहीं से भरी है और जो ये अलवर निर्मित है, जो मेड इन राजस्थान में, ये सेल फॉर राजस्थान में होती है। सेल भी राजस्थान में होती थी? हाँ, लेकिन ये भर के बेचने के लिए कहीं गुजरात की तरफ ले जाना बता रहा है, यहाँ से भर के गुजरात बेचने जा रहे थे। हाँ सर, क्षेत्र में इस तरह की और भी कोई घटनाएं सामने आई या पूछताछ में ये बताया इसने कि किसी तार पूरी हुई कोई गिरोह है? वो तो कह रहे हैं कहीं मैंने तो 125,000 रुपये में भाड़ा किए, बाकी तो आगे खरीदने वाले वो है, यहाँ से जो लोड कराने वाले वो तो अलग ही है, वो तो इन्वेस्टिगेशन से सामने आएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि हरियाणा से अवैध रूप से लाई गई शराब राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के कई रास्तों से जा रही है। ऐसा नहीं है कि नौहर के रास्ता ही अपनाया जाता है। हनुमानगढ़ के संगरिया की बात करें, चाहे हम पल्लू रावसर की रास्ते की बात करें, वहां से भी बेरोक टोक गुजरात शराब अवैध रूप से हरियाणा सीमा से जा रही है। हालांकि नौहर पुलिस के द्वारा जब पकड़ा गया है ट्रक और आगे आने वाले समय में क्या इसी प्रकार पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती हुई और भी गुजरात जाती हुई शराब पकड़ती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।